Good morning, all my dear students. I welcome you once again in the class of accounts standard 11th. We are continuing with our chapter number 9 from second part of your accounts book, that is accounts of NTCs, non-trading concerns. In our last video, we have gone through with question number 12, and that question number 12 was last as per your reduced portion. Now, in our today's class, I am going to deal with illustration number 8, because in questions, such type of question is not included. So, illustration number 8 is important. From the receipt payment account for the year ending on 31/3/2015 and from the other information of Andijan Mandal, prepare income expenditure account and balance sheet as on that date. Now, receipt payment account is given to you people. From that, you are supposed to extract income expenditure and balance sheet. Few adjustments are also given to you people. These adjustments are to be solved together. Balances as on 1/4, this means ye opening balance aapko given hai, building ka hai, furniture, books, investment, subscription, outstanding and permanent fund, that is your capital fund. Isko dusra naam hai capital fund. Subscription received includes 500 for the year 15-16. Jo aapko subscription mila hai, usme 15-16 ka bhi means upcoming year ka bhi aapko mil chuka hai. Subscription outstanding 700 for the year 14-15. One more tick mark you will do. Interest outstanding on investment. Investment ki upar aapka interest milna baki hai. Purchase of investment ki upar aap tick mark kar denge. ठीक है, और यहां भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, करेक्ट. नेक्स्ट इज सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी पे टिक करेंगे. फर्दर ऑन 31/3/15 स्टेशनरी स्टॉक वाज ऑफ 100, स्टेशनरी के ऊपर टिक करेंगे. प्रोविजन ऑन डेप्रिसिएशन ऑफ डेप्रिसिएशन इज टू बी मेड ऑन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल्डिंग फर्नीचर एंड बुक्स. बिल्डिंग के ऊपर, फर्नीचर के ऊपर और बुक्स के ऊपर, उनके क्लोजिंग बैलेंसेस के ऊपर आपको क्या करना है, 10% प्रोवाइड करना है. नाउ दिस इज योर रिसीट पेमेंट अकाउंट. ये आपका रिसीट पेमेंट में ही रहेगा, इनकम एक्सपेंडिचर में आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे. अवर नेक्स्ट आइटम इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आपका कितना है, 7000. ये हमारी इनकम मानी जाती है, इट इज 7000, करेक्ट. व्हाट एल्स एडजस्टमेंट गिवन टू यू पीपल इज 14-15, दिस इज अवर करंट ईयर. करंट ईयर का अपन का क्या है, 700 आउटस्टैंडिंग है. हमने क्या कर दिया, 700 ऐड कर दिया है. ओके, हमको लास्ट ईयर का, दिस इज योर ओपनिंग बैलेंस. ये ओपनिंग बैलेंस मींस लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस होगा, तभी इस साल का ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस है. ओपनिंग बैलेंस में पता चला कि हमारे पास सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1000 रुपीज मिला है, बट दिस इज नॉट फॉर योर करंट ईयर. करंट ईयर का नहीं है, इसके लिए आप क्या कर देंगे, उसे लेस कर देंगे, उसे माइनस कर देंगे. और आपको क्या एडजस्टमेंट में गिवन है, सेकेंड एडजस्टमेंट, आउट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड्स 500 ऑफ 15-16. 7000 के अंदर आने वाला जो साल है उसका भी आपको सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ऑफ नेक्स्ट ईयर. ना तो लास्ट ईयर का आता है, ना नेक्स्ट ईयर का आता है, ओनली करंट ईयर्स सब्सक्रिप्शन शुड बी एडेड. सो ओवरऑल योर इफेक्ट विल बी ऑफ 6200. नाउ टू मोर इफेक्ट्स आर टू बी गिवन फॉर दीज टू, 500 एंड 700. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड्स 500 फॉर ईयर 15-16. सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव्ड इन एडवांस मिल चुका है पहले, आपको सर्विसेज देना बाकी है, दिस विल बी योर लायबिलिटीज. ओके, एंड वन मोर वॉज देयर, सब्सक्रिप्शन ऑफ 700 इज आउटस्टैंडिंग. करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपका आउटस्टैंडिंग है, दैट मीन्स आपको मिलना बाकी है 700 रुपीज इन योर असेट साइड. इज दिस क्लियर? नाउ मूविंग फर्दर, दैट इज हॉल रेंट. हॉल रेंट आपका इनकम हो जाएगा, इट विल बी ऑन
credit side of income expenditure. Next is interest received. Interest received के ऊपर आपका एडजस्टमेंट है. इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना गिवन है आपका 1500 प्लस वन मोर इज देयर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट इज 500 और भी 500 आपको मिलना बाकी है. इट विल बी योर 2000 अगेन मिलना बाकी है. विल बी योर असेट इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 500 आप कहां दिखाएंगे बैलेंस शीट में असेट साइड इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग. ओके नेक्स्ट मूविंग फर्दर सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स इनकम जनरेट हुआ है. यहां पे आप दिखाएंगे सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स 200. ओके नेक्स्ट इज डोनेशन रिसीव्ड. जब भी आपको डोनेशन रिसीव होता है दैट इज टू बी ट्रीटेड एज योर कैपिटल इन नेचर. कैपिटल इन नेचर है इसके लिए आपको क्या होगा कैपिटल फंड में परमानेंट फंड में आप उसको एड कर देंगे. क्लियर. नेक्स्ट इज सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर. 800 में आपने उस फर्नीचर को बेचा जिसका बुक वैल्यू कितना था 1000. दैट मींस 200 का आपका क्या है लॉस है. हेयर यू कैन सी लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 200. अलोंग विद दैट आपका फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है. फर्नीचर आप चेक करेंगे तो आपका बैलेंस में यहाँ पे एज यू कैन सी इट इज गिवन 4000. यहाँ पे आप दिखा देंगे 4000 कितना आपने बेच दिया है 1000 का दैट कम्स टू 3000. 3000 आने के बाद एक एडजस्टमेंट आपको बोला हुआ था कि क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर 10% प्रोवाइड करना है फर्नीचर के ऊपर. सो 3000 का 10% कम्स टू 300. आउटर कॉलम इज 2700. Depreciation on furniture will be 300. Am I clear? Next is salary 4200. Salary ka bhi adjustment hai aapke paas. Outstanding hai 600 rupay aapko bharna. Baki hai 4200 plus 600 4800 salary aur dena baki hai. This will be your liabilities 600 rupees. Next is stationery and printing. What it was? Stationery stock is of 100. 100 रुपए का stock अपन के पास unused पड़ा है. So, stationery में से unused stock को क्या कर देंगे? Reduce कर देंगे. This stock will be as your asset. Stationery stock asset side 100. Clear? Next is insurance and taxes. Insurance and taxes will be on the expense side of income expenditure account 400. Correct? Moving further, next is subscription of newspapers 600. आपने subscribe किए हैं newspapers, so 600 rupees will be your expense. Next, repairing expense of 500. Yes, the same effect on the debit side of your income expenditure account. Next is purchase of investment. आपने कितने के purchase किए हैं? 2800 के in between purchase किए हैं. पर आपकी investments कितनी given थी? ओपनिंग बैलेंस में 40,000 की इन बिटवीन आपने कितना परचेस किया 2800. सो 40,000 प्लस 2800 42,800 आपका इफेक्ट आएगा. इज दिस क्लियर. नेक्स्ट इज परचेज ऑफ बुक्स. परचेज ऑफ बुक इज ऑफ 5,000. बुक्स विल बी योर असेट्स. इन बिटवीन आपने परचेस किया है 5,000 का. बुक्स का आपके पास ओपनिंग बैलेंस गिवन है दैट इज ऑफ 10,000 रुपीज. आप यहां पे शो करेंगे 10,000 प्लस 5,000 15,000. बुक्स के ऊपर भी आपको 10% डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है दैट विल बी 1500. 1500 लेस करने पर आएगा 13,500 एंड दिस 1500 विल हैव द डेबिट इफेक्ट इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट. इज दिस क्लियर. 1500 टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स. इज दिस क्लियर. नेक्स्ट इज योर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक. कैश एंड बैंक के क्लोजिंग बैलेंसेस आप कहां शो करेंगे बैलेंस शीट में असेट साइड बैंक बैलेंस एंड
cash balance of 1900 and 3400. Now out of this building we have not yet recorded. Building हम यहाँ पे अगर opening balance record कर देंगे, हमने ना purchasing किया है building का और ना ही कुछ sales है, तो direct 10% calculate करेंगे, 3000 outer column will be 27000 और यहाँ पे building का कितना आ जाएगा आपका 3000 as your depreciation. Is this correct? Now everything is done in the question. Permanent fund एक और add करना बाकी है आपका. Permanent fund is of 8800. Capital होता है, ये balance sheet में first item लिखा जाता है 88000. Correct? Now it's the time for totaling. अभी हमें totaling कैसे करना होगा? Check it out which side you find it out the greater one. आपका एक्सपेंस बड़ा है, एक्सपेंस साइड ज़्यादा आ रहा है, 11900 इज़ द टोटल, शिफ्ट इट ऑन द क्रेडिट साइड. लेस आप एक्सपेंस इनकम्स करेंगे तो आपका 1500 नेट लॉस आएगा फॉर ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस. फॉर एनटीसी क्या कहा जाता है? एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम. ये एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा किसमें से? कैपिटल फंड में से. आप देख सकते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम 1500 माइनस किया है, आउटर कॉलम इज 91500. आपका टोटल जो है वो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज एंड असेट साइड का टोटल सेम आना चाहिए, करेक्ट आना चाहिए, 92600 इज द टोटल. आई होप द होल सम इज well understood by you people. Once again go through with the video. For more clarifications please refer your textbook thoroughly, study well, work hard. Today's task is illustration number 8. Please do in your fair notebook. Thank you and have a great day.